तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है या फिर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। जैसे कि अभी कोविड चल रहा है तो उसी के दौरान असाइनमेंट सबमिट करना है, तो कई सारे लोगों को, मतलब मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हैं पीडीएफ के ऊपर, वो भी उनमें भी उन्हें दिक्कत आ रही है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप गूगल ड्राइव की मदद से अपने फ़ोन से वो पीडीएफ इजीली बना सकते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं टेक्नो पाठशाला। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीडीएफ फाइल कैसे बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूं, जाके आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, वहां से भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको वापस बताता हूं कि कैसे आप ये पीडीएफ बना सकते हैं। आपको अपने फोन में गूगल ड्राइव को ढूंढना होगा। ये देखिए आइकन दिख रहा है यहाँ पे गूगल ड्राइव, अगर आपके फोन में नहीं है, बेसिकली सबके फोन में होती ही है, अगर आपके फोन में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं गूगल ड्राइव पर, यहाँ पे मिल जाएगा आपका होम का सेक्शन, नो आइटम्स, स्टार में शेयर का सेक्शन और फाइल का सेक्शन। सबसे पहले अपना काम क्या है, अपन को यहाँ पे ऊपर देखिए आर नाम का एक लोगो दिख रहा होगा, यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपनी कोई भी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है या फिर कह सकते हैं जीमेल आईडी से। तो सिंपली से पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं, आप साइड में देख सकते हैं एक प्लस के निशान दिख रहा होगा आपको, प्लस के आइकन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक साइड में देखिए राइट साइड में ऊपर की तरफ स्कैन का ऑप्शन दिख रहा होगा, फिर आपको करना होगा स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक। जैसे ही आप स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और इसे अलाउ कर देंगे तो ये देखिए आपकी कैमरा परमिशन मांगेगा। तो मैं इसे कैमरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से देखिए ये मेरा पेज है तो इस पर मैं सिंपली सा क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और यहाँ से डन ओके पे साइन कर देना है। जैसे ही आप कर देंगे तो ये आपका ऐसा दिखाएगा और ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया तो ऊपर देखिए एक आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रोप का, ठीक है ना, दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एडजस्ट करना हो तो यहाँ से आप एडजस्ट कर लीजिए, ऑलरेडी ये एडजस्ट था पे, तो ये देखिए इतना ये एडजस्ट हो गया है। तो सिंपली आपको राइट के टिक पे क्लिक करना होगा, इस पर जैसे ही क्लिक करने के बाद ये पूरा देखिए ब्लैक एंड वाइट में आ गया है। अब और अगर आपको ये देखिए इसका कलर बदलना है, कलर में लेना है, तो ऊपर देखिए ये कलर का आइकन भी दिख रहा होगा आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मान लीजिए आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए या कलर चाहिए, तो चलो अपन कलर कर लेते हैं, ये देखिए कलर में बन गया, ठीक है ना। अब आपको डन करना है तो सिंपली से इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको बैक जाएंगे, जैसे इस पर क्लिक किया, फिर से स्कैन पर क्लिक किया, अपन जल्दी से एक और बार कर लेते हैं, तो ये देखिए अपन ने स्कैन कर लिया तो ये डन हो गया, यहाँ से डन कर लिया। अब आपको एक और पेज ऐड करना है, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड में प्लस का आइकन दिख रहा होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कैमरा के थ्रू एक और पेज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल ऐड दिस, एंड यहाँ से अपन सिंपली क्लिक कर देंगे तो ये वाला भी देखिए वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए सिलेक्ट नहीं किया ना इसने ऑटोमेटिकली, तो आपको क्रोप के आइकन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से अपन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि कितना कितना हमारा पेज है और कहाँ से कहाँ तक अपन को लेना है। तो यहाँ पर फिर से अपन को ओके पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद मान लीजिए आपको तीसरा पेज ऐड करना है, तो सिंपली से आपको फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा और कैमरा के आइकन पर क्लिक करने के बाद अब मैं ले लेता हूँ ये वाला पेज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो इसे अपन स्कैन करके देखते हैं, तो जैसे ही मैं फिर एक बार क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये क्लिक हो चुका है। क्लिक होने के बाद डन पर क्लिक करेंगे, फिर इसे अपन कलर सिलेक्ट करके कलर कर लेंगे और इसे क्रॉप करके यहाँ से अपन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, और इसे डन कर देंगे। अब डन करने के बाद आपको इसकी पीडीएफ बनाना है, तो यहाँ पे देखिए राइट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वो कहेगा डॉक्यूमेंट का फाइल नेम दे दीजिए, डॉक्यूमेंट का फाइल मैं दे देता हूँ जैसे टेक्नो पाठशाला, ठीक है ना। टेक्नो पाठशाला देने के बाद इसे अपन को सेव करना है, कहाँ पे सेव होगा, जी माय ड्राइव में सेव होगा। तो सेव कर दिया अपन ने, तो ये देखिए हाँ यहाँ पे आपको एक इंटरनेट की ज़रूरत होगी जहाँ पे ये फाइल अपलोड होगी, तो माय ड्राइव में अपन देख लेते हैं, यहाँ से अपन इसे अपलोड कर लेंगे। देखिए टेक्नो पाठशाला की पीडीएफ है ना, तो यहाँ से अभी अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फाइल थी वो अपलोड हो चुकी है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी वो फाइल पूरी आपके सामने शो हो जाएगी। ये देखिए वो पीडीएफ थी, अपन ने एक ब्लैक एंड वाइट ले लिया है धोखे से, एक अपन ने कलर ले लिया है, तो आप क्वालिटी भी देख सकते हैं पेज की कितनी अच्छी आई हुई है। आप फॉर एग्जाम्पल इसे आपको शेयर करना है, ठीक है ना, तो सिंपली से क्या करेंगे थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, शेयर करेंगे, और यहाँ के थ्रू आप व्हाट्सएप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। नॉट शेयर, तो यहाँ पे सिंपली से आपको क्या करना होगा, इसे पहले अपने डिवाइस के अंदर डाउनलोड करना होगा, ठीक है ना। ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी फिर उसे आप अपने डिवाइस में शेयर कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर आपको एक आइकन आ रहा होगा डाउनलोड का,
तो बस ऐसे आप एक पीडीएफ बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो बस यही था पूरी वीडियो में, मुझे आपको बताना था कि ये पीडीएफ फाइल किस तरीके से और बनाई जा सकती है। तो बताइए मुझे कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों का शेयर कर देना, चैनल पर नए जुड़े हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चल पर आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजबल वीडियोज लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते हैं।